मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके. आई नो दैट फेमिनिस्ट सेलिब्रेट्स रियल वुमेन एंड इट्स एन ऑनर टू बी सेलिब्रेटेड विद सो मेनी अदर अमेजिंग वुमेन. जी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, मुझे पता बहुत ही आउट ऑफ द ब्लू था, लेकिन फेमिना के लिए था तो मुझे बहुत ही खुशी हुई कि मेरा भी नॉमिनेशन है इसमें. सॉरी, मुझे ऐसे लगता है कि कोई भी इनिशिएटिव अभी इस वक्त फॉर टू सेलिब्रेट वुमेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई थिंक इंक्रीजिंगली इट्स बिकम दैट इन इंडिया ग्रोइंग अप एज अ वुमन और बीइंग बॉर्न एज अ गर्ल इज़ अ सिन. So, given the kind of turn of events that have been happening, so I think anything that celebrates women today is a very important activity and a great celebration. So, thank you very much, Femina. अभी तो फिलहाल मेरी अभी एक फिल्म ऑफ माइन कॉल्ड मुरांबा, इट्स अ मराठी फिल्म विच इज स्टिल इन द थिएटर्स, इट्स इन द इट्स रनिंग इन द फोर्थ वीक. अपार्ट फ्रॉम दैट सून यू आर गोइंग टू सी season 2 of Little Things, a web series that I did with Dice Media, and that's going to be up soon. Thank you so much. Yahan pe? I'm really happy to be here. I love Femina. I've been reading Femina ever since I was a kid. I think I've grown up reading Femina, so it's really nice to be here. I think it really boosts women up, and when you have such a big name like Femina backing them and empowering them, I think it's a really inspirational thing they're doing. And I want to see more of these awards from other magazines as well. So Kala Kandi finally got a release date. It's releasing on the 7th of September, so I'm very excited about that. Thank you. Yes, please. सुनाई नहीं दे रहा है. आई थिंक ये बहुत ही स्पेशल, आई थिंक ये बहुत ही स्पेशल अवार्ड्स हैं बिकॉज कितने सारे और अवार्ड्स होते हैं, लेकिन लाइक आई फील एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ अदर पीपल ऑल्सो फील दैट यू नो बींग अ वूमन इट सेल्फ इज सच अ ब्यूटिफुल थिंग एंड वुमनहुड को सेलिब्रेट करने के लिए आज Femina वुमेंस अवार्ड्स हो रहे हैं एंड आई एम गोइंग टू बी परफॉर्मिंग अ फ्यू सॉन्ग्स दैट आई पर्सनली लव, उनमें से कुछ मेरे गाने भी हैं. So yeah, I'm very excited and very happy to be here. Like I said, कुछ गाने मेरे अपने हैं और कुछ ऐसे गाने हैं जो the theme that I thought should be behind my performance is that you know different shades of womanhood, different shades of being a woman come across, where a woman is all you know, she likes to have fun, at the same time
वो संजीदगी और यू नो जो इमोशंस एक फीमेल फील करती है, तो वो भी मैं कोशिश करूँगी कि हम उस परफॉर्मेंस के थ्रू दिखा पाएँ। सॉरी, मुझे लगता है कि यही एक बात है जो फेमिना वुमेन्स अवार्ड को बाकी सभी अवार्ड से अलग बनाती है, और वो ये कि इसमें सिर्फ मीडिया जगत के लोगों को सम्मानित नहीं किया जाता, उसके अलावा देर आर यू नो पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, एंड इट्स सो इंस्पायरिंग टू मीट सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट पीपल एंड यू नो गेट टू नो अबाउट देयर स्टोरीज। वेल, इस साल आप मुझे कुछ इंडिपेंडेंट सिंगल्स रिलीज़ करते हुए देखेंगे, फिल्मों में तो आपने सुना ही है, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स हैं जो आप डेफिनेटली सुनेंगे? मुझे लगता है हर आर्टिस्ट के लिए बॉलीवुड से हटकर बॉलीवुड के साथ कुछ और भी करना ज़रूरी है। सो या थैंक यू सो मच। आई थिंक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है फेमिना का, और बहुत सारी द लेडीज आर बीइंग अवार्डेड टुडे, वेरी वेरी फैंटास्टिक इन देयर ओन फील्ड्स, दे हैव अचीव्ड अ लॉट, चाहे डिज़ाइन में है चाहे स्पोर्ट्स में है, सो बहुत सारे स्पेशल, एंड इट्स फैंटास्टिक दैट एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू डू समथिंग गुड यू गेट रिवॉर्डेड एंड नथिंग बेटर देन अ फेमिना अवार्ड। हाँ हाँ, बहुत डिफिकल्ट आज, क्योंकि बहुत सारे डिजर्विंग नॉमिनीज हैं हर कैटेगरी में, अब देखिए क्या होता है शाम को। 47 हाँ, 47 कैंडिडेट्स, हाँ बिल्कुल। ये इक्वालिटी के बारे में, चाहे औरत हो या आदमी हो, सबको अवार्ड मिलना चाहिए फॉर ऑल द गुड वर्क दे डू, एंड स्पेशली फॉर द यंग गर्ल्स आउट देयर, all these women will be role models and leaders in their own way, so that's the most important thing. Thank you. Excited who this is my second time at Femina Awards, and it's always extremely special to be here, and I love how they encourage women and make them feel beautiful and confident. Is awards mein dekha jata hai kisi glamour jagat ko nahi diya gaya hai, aur bhi aur future literature ho gaya sports ho gaya, I think that's a really good thing ki sirf glamour ke bare mein nahi hai, lekin it's about women from all different walks of life and how they represent India and represent women. Aapki film bhi aa gayi ji
very, very excited. Tomorrow, please watch. There's going to be another song called Hawa Hawa with Arjun and Ileana. It's my favorite song, and I'm very excited to be a part of this film, and I'm really looking forward to promotions. Arjun is playing double role in the film. Yeah. And Varun is also playing double role in the Yeah, yeah. बहुत सालों से होता रहता या दस बिन या नो नॉट लाइक इट्स नॉट इन द ट्रेंड नाउ इट्स बिन गोइंग ऑन फॉर इयर्स एंड इयर्स बट या इट्स फन इट्स मोर फन डबल द मस्ती या थैंक यू थैंक यू